धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, क्योंकि ये है इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। प्रयागराज जिले के थाना घोरपुर में वांछित 25,000 रुपए का इनामी जो फरार चल रहा था, अभियुक्त सुनील भारती पुत्र शोला भारती निवासी भंडारा उमरगंज को परेड थाना घूरपुर के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लग गई। एसओजी यमुना पार प्रभारी वृंदावन राय व घूरपुर एसओ अनुराग शर्मा की टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को ललकारा गया तो अपराधियों द्वारा अवैध असलहे से फायर की गई। इसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु सीएचसी जिसरा रवाना किया गया है। वहीं दूसरा अपराधी मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है। प्रयागराज से विनोद कुमार पांडे की रिपोर्ट। लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं, इसी तरह सक्रियता से वांछित अपराधियों के खिलाफ प्रयागराज पुलिस अपना अभियान चलाती रहेगी।